वहीं नोएडा पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस के तौर तरीकों को लेकर यहां वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस से नोकझोंक में एक युवक को हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। नोएडा में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस से हुई बहस एक शख्स के लिए जानलेवा साबित हुई। ये वही कार है जिसमें सवार होकर गौरव शर्मा अपने पिता के साथ जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में ट्रैफिक पुलिस ने कार पर डंडा मारकर रोका, जिसका उन्होंने विरोध किया। इसके बाद पुलिस और उनके बीच बहस होने लगी और फिर उन्हें हार्ट अटैक आया और अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। तो बुजुर्ग लोग भी बैठे थे, बेटा बैठा था। इस तरीके से जो डंडे मारने वाली बात थी, ये जो है ना, इस तरीके का चेकिंग का कोई रूल नहीं है। चेकिंग करिए आप तरीके से करिए, और जहाँ तक मेरे को लगता है, मैं अपने उससे कहता हूँ, जो चेक करने वाला वो वाइट ड्रेस में था, वो इतनी बड़ी रैंक का आदमी नहीं था, ही वॉज नॉट ऑथराइज्ड। परिजन सिर्फ इंसाफ की मांग ही नहीं कर रहे हैं बल्कि सवाल भी पूछ रहे हैं। मेरी 5 साल की पोती है, मेरी उम्र 65 साल है, मैं कितने दिन जीऊँगा? कौन उसको ग्रोन अप करेगा? कौन उसको अच्छी तरह से सुविधाएं देगा? अभी तक शिकायत भी दर्ज नहीं की गई है। ये पूरा मामला पुलिस सीमा विवाद में उलझा हुआ है। वहीं गौतम बुद्ध नगर के SSP का कहना है कि यह मामला गाजियाबाद थाना इलाके का है और गौरव शर्मा डायबिटीज के मरीज थे। फिलहाल पुलिस कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन सवाल ये है कि चेकिंग के नाम पर पुलिस का ये रवैया कहां तक जायज है। गाजियाबाद से मनीष चौरसिया के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।